बड़ी खबर शिमला से है। सोशल मीडिया पर गुमनाम पत्र वायरल हो रहा है और सीएम कार्यालय के एक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जांच की मांग इसको लेकर की। सीएम जांच करें और स्पष्ट करें कि आखिर तथ्य क्या है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोपों का बेनामी पत्र इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जाता है कि सीएम कार्यालय के ही एक कर्मचारी ने यह पत्र प्रधानमंत्री को लिखा, जिसमें करोड़ों के पैसे के लेन देन के आरोप लगे और इसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसियों से करवाने की मांग की गई। वहीं इसको लेकर विपक्ष मुखर हो गया है और मुख्यमंत्री से इस मामले की जांच करवाने की मांग की जा रही है। मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। शिमला में मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज आ रही हैं और अब तो लिखित रूप से कथित एक पत्र वायरल हुआ है जिसकी सत्तर चर्चा हो रही है। हालांकि उसमें किसने पत्र लिखा है इसकी जानकारी नहीं है, अननोन है। उस सारे में फिर भी एक विषय बनता है, जो चर्चा का विषय बना है उस पर मुख्यमंत्री इंक्वायरी करे, जांच करे, तथ्य को जो हैं उनके बारे में लोगों के बीच में स्पष्ट करे कि फैक्ट्स क्या है।